घर कैसा वाला वही करो। तुम गाड़ी से एरोप्लेन से कैसे आए? हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। तो ये देखिए, यहाँ पर कर रही हूँ मैं पूछा। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर नहीं तो आप है ना लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ 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 लाइक कर लीजिए। लाइक करने से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक करते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि चॉइस है लाइक और डिसलाइक करने की। बट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक। ये देखो, ईशु के फ्रेंड आ गए। तो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी इवनिंग का टाइम है और मेरा जैसे इवनिंग का काम है ना, सब कुछ हो गया है। बस ईशु के पापा गए सब्जियां लाने के लिए। मीन्स कि आज संडे है ना, संडे के दिन हमारे यहाँ पर मार्केट रहता है, तो हम लोग है ना वीक की जो भी सब्जियां होती है एक साथ ला लेते हैं। हाँ, बीच में कभी ज़रूरत पड़ती है तो लेने चले जाते हैं। और ये देखिए, यह खा रही ईशु बनाना, आधा खाती है आधा फेंकती है। वैसे तो पता है दोस्तों, मुझे है ना ये सब्जियाँ रखना बिल्कुल नहीं पसंद है। वैसे भी मैं रखती नहीं हूँ, बट कभी जैसे कि हस्बैंड बिजी रहते हैं तो वो मीन्स कि ये काम मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर वो नहीं रखेंगे तो शायद मैं नहीं रखूँगी, मैं ऐसे ही रहने दूँगी। क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरे हस्बैंड रख लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। और यहाँ पर चल रही ईशु और ईशु के पापा की मस्ती। और देखिए, क्या करें ना, ये काम अच्छा लगे चाहे ना लगे हमें करना ही पड़ता है ना। ऐसा ही होता है ना, हमें मायके में मतलब सुकून मिलता है ना, ससुराल में मीन्स कि ऐसा होता है यार कि हमारा जो घर का काम है वो करना पड़ता है। वैसे दुख वाली कोई भी बात नहीं है, ये हर घर की कहानी है, हर लेडीज को ये सब कुछ काम करना पड़ता है। बट होता है ना, कोई कोई काम हमें करना अच्छा नहीं लगता है। तो यही मेरा हाल है कि सब्जियां मुझे रखना पसंद नहीं आता, क्योंकि मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं। तो मैं आपको ना आज दिखाती हूँ हमारे किचन में कौन है। और सच में आज मैं फ्री हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। तो चलिए, आज मैं नहीं बना रही हूँ तो दिखाती हूँ कि कौन हमारे किचन में आए हुए हैं और कौन आज हमारा डिनर बना रहे हैं। अरे, और क्या बना रहे हो आज? ये मैं बना रहा हूँ फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन, अरे वाह, मेरा तो फेवरेट है। देर से मैरिनेटेड करके रखा था, पूरा दोपहर से इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ मैं। अच्छा, देखिए आज ये मेरा फेवरेट है और ये अपने हाथों से बना अपने हाथों से बनाकर खिलाने वाले हैं। अच्छा, टेस्टी बनाना। अरे एकदम टेस्टी, वैसे टेस्टी ही बनाते हो खाना। अच्छा देखिए, आज है ना हम लोग बनाने वाले हैं चिकन फ्राई और बिरयानी बनाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत टेस्टी बना, बहुत, मैंने ऐसा चिकन फ्राई कभी लाइफ में नहीं खाया, पता है, बहुत टेस्टी। बट क्रंची नहीं हो पाया ना, ईशु को भूख लग गई थी तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं ना, पर अल्टीमेट बना। अरे भैया को हाय, ईशु जाओ भैया को किसी दे दो, किसी दे दो। हाँ तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या बात। अच्छा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। है ना, मेरे कारण आपको कुछ दर्द है ना, ऐसा? कोई दर्द नहीं है। तो फिर अरे तो मोबाइल में आई थी तो भैया ने डाली थी स्टेटस। अच्छा, मुझे लगा कि आप मुझे कॉमेंट्स नहीं कर रहे हो डायरेक्टली।
और ये क्या बात है आज कल ये हेयर स्टाइल ये सब कुछ लगा रहे हो? कैसे लग रहे? पहले से तो काफी अच्छे लग रहे। बढ़ाना है तो ये ऐसे हेयर फॉल्स ये देखिए ना हाथ में तो बाल आ रहे हैं। क्या करूं तो बहुत पतले हो रहे बाल, मतलब बढ़े ही नहीं रहे अच्छे तो से। केयर नहीं करते हो? फिर भी बाल नहीं बढ़ रहे। तो आप केयर नहीं करते हो ना? कौन सा ऑयल लगा रहे हो आप? मैं कोकोनट ऑयल। अच्छा तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ। आपको पता है मेरा जो हेयर फॉल्स हो रहा था बहुत, तो मैंने ऑयल यूज करना चालू किया। शायद आपको नहीं पता होगा मैंने आपको कितने बार कहा है। कौन सा ऑयल? चलो तो मैं आपको बताती हूँ उस ऑयल के बारे में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इस ऑयल के बारे में बता देती हूँ। ये है ओरिजेंस कंपनी का है और ये जो ऑयल है ना अनियन ऑयल है और ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है और ये है ना केमिकल फ्री है। मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी जैसे है ना अपने जो हेयर को डैमेज करेगा या फिर हेयर फॉल्स होगा या फिर हमारे हेयर्स को नुकसान करता है ऐसी कोई भी चीज़ें ऐड नहीं किया है। तो इसमें है ना 20+ नेचुरल हर्ब्स इंक्लूड है। और देखिए ये ना किसी भी टाइप का हेयर हो जिसके होता है ना ऑयली हेयर होता है ड्राई हेयर होता है जिस टाइप का भी हेयर होता है वो सब पर यूज़ कर सकते हैं। इसका भी जैसे साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। और जैसे कि मैं आपको बता ही दिया है कि इसमें केमिकल मतलब फ्री है, केमिकल बिल्कुल भी यूज नहीं। मैडम को सारे कॉस्मेटिक के बारे में मालूम है वो जो भी बता रही सही बता रही है। मुझे पता नहीं मैं यूज करती हूँ कोई भी पता मतलब कोई भी चीज जैसे कि मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो। रिव्यू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने हेयर में यूज करती हूँ उसके बाद ही मैं रिव्यू करती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो दोस्त हो तो मैंने चाहती हूँ कि आपको किसी भी चीज के कारण नुकसान हो। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। तो जैसे कि ये मतलब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है और हाँ आपको पता ही आज की कंडीशन में हेयर फॉल्स तो इतना होता है और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा है, इनका भी बहुत ज़्यादा है। तो अब है ना मैं इनको मतलब नहीं है हेयर फॉल्स दूंगी। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले ये है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो रिड्यूस करेगा, डैंड्रफ है तो रिड्यूस करेगा। और हाँ पता है ये लाइस पर भी जिसके आपके हेयर में लाइस है तो उसके लिए भी बहुत वर्क करता है और ये पता है हेयर ग्रोथ को ना प्रमोट करता है। जैसे कि आपका रेगुलर हेयर फॉल्स होता है और बाल नहीं मतलब आ रहे वहां पर तो आप इस ऑयल का यूज करने से आपको जो बाल आना बंद हो जाता है ना वो भी आएगा। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसकी जो डिटेल में जानकारी है मैं आपको यहाँ पर एक फोटो लगा दूंगी क्योंकि इतनी डिटेल में जानकारी मैं आपको नहीं दे सकूंगी। और अगर आप इस ऑयल को परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस है ना बहुत प्यारी है। क्यों आपको उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है? अच्छी तो लग रही है, बहुत प्यारी है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहा हूँ। मैं इसके जो आ रही फ्रेग्रेंस अच्छी है ना, अच्छी है, बहुत प्यारी है। करना आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपको हेयर वॉश करना हो या फिर आप जैसे रेगुलर हेयर ऑयल लगा के रखते हो तो आप इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हो। और आज इस ब्लॉग का हम लोग एंड करते हैं। जो चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स करके मुझे बताइएगा। चलिए मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।